नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के कोडरमा से, नासा का काला कारोबार जारी। कोडरमा से बिहार ले जा रहे 14 पेटी नकली अंग्रेजी शराब जब्त कर लिया गया है, एक गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात रांची पटना रोड स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल के पास अंग्रेजी शराब ले जा रही कार को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग के अनुसार 14 पेटियों में 126 लीटर विदेशी शराब है जो नकली है। विभाग द्वारा रांची पटना रोड पर आज रात में कई जगहों पर जवानों को तैनात किया गया था। इसी क्रम में होली फैमिली हॉस्पिटल के पास तिलिया की ओर से आ रही कार को रोक उसकी जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में छिपा कर ले जाए जा रहे शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित बेहरा डीह निवासी तुलसी मेहता को गिरफ्तार किया गया है। खबर है झारखंड के गुमला से, पुलिस पर बम से हमला कर भाग रहे टीपीसी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। एयरगन समेत 4 राइफल बरामद किए गए। पुलिस ने शुक्रवार की शाम बिशनपुर थाना क्षेत्र के हेल्ता गांव से टीपीसी उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसपी हरदीप पी ने इसकी जानकारी दी और बताया कि पुलिस कार्रवाई में 4 और उग्रवादी भागने में सफल रहे। पुलिस जब छापामारी के दौरान मौके पर पहुंची तो उग्रवादियों ने 2 बम जवानों पर फेंका और भागने लगे। इस दौरान पुलिस किसी तरह से जान बचाई और 5 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 9 उग्रवादी विष्णुपुर थाना क्षेत्र के हेलता गांव में छिपे हुए हैं। पुलिस गांव पहुंची तो इनके 4 साथी भागने में कामयाब रहे। उग्रवादी गांव में छोटे कारोबारियों और व्यापारियों से रंगदारी मांगने की तैयारी में थे। झारखंड में मिले नए 192 कोरोना संक्रमित, 179 ठीक भी हुए, आज 2 की मौत भी है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। राज्य में फिर कोरोना के 192 नए मरीज मिले, 179 ठीक भी हुए। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 113,954 हो गई है। इनमें से अब तक 1,016 लोगों की मौत हो चुकी है और अब 1,587 सक्रिय केस हैं। आज 2 मरीजों की मौत भी है। मृतकों में लातेहार और रांची से एक एक मरीज शामिल है। कहां से कितने मरीज मिले आज देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में 75, बोकारो में 7, देवघर में 3, धनबाद में 15, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 45, गिरिडीह से 2, गुमला से 3, हजारीबाग से 8, जमताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 13, रामगढ़ से 10, पश्चिमी सिंहभूम से 3 नए मरीज मिले। खबर है झारखंड के चतरा से, माओवादियों ने पोस्टर लगाकर दी 6 इंच छोटा करने की धमकी। गांव में दहशत का माहौल बन गया है। झारखंड के चतरा जिले में सदर थाना क्षेत्र के बाधर में भाकपा माओवादियों के नाम पर पोस्टर साटकर कई लोगों को 6 इंच छोटा करने की धमकी दी गई है। पोस्टर में पंचायत समिति सदस्य के पति, भू माफिया और पूंजीपतियों को बिचौलियागिरी छोड़ने के लिए जताया गया है। सुधार नहीं होने पर नए साल में हत्या की धमकी दी गई है। पोस्टरबाजी की सूचना पाते ही सदर SDPO अविनाश कुमार और सदर थाना प्रभारी ने बाधर पंचायत पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पोस्टरों को उतार कर कब्जे में ले लिया है। पोस्टर में बाधर पंचायत समिति सदस्य के पति उमा साह और राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव अब्दुल अल्लाह अंसारी को धमकी दी गई है। माओवादियों ने करीब 5 जगह पोस्टर साट कर कहा है कि मंत्रियों, नेताओं, विधायकों और अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण जनता को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम जान देकर भुगतना पड़ेगा। इस पोस्टरबाजी से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। झारखंड में 25,000 करोड़ के चीट फंड घोटाले के लिए 2 विशेष कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI कर रही है जांच। झारखंड में करीब 25,000 करोड़ के चिट फंड घोटाले की अब स्पीडी ट्रायल होगी। इसके लिए सरकार ने 2 विशेष कोर्ट का गठन रांची में किया है। इस घोटाले की जांच CBI कर रही है। जांच पूरी करने के बाद CBI ने अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करेगी और फिर स्पीडी ट्रायल शुरू किया जाएगा। राज्य में 3,000 से अधिक लोगों का पैसा लेकर चिट फंड कंपनियां फरार हुई है।
चिट फंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब तक 120 से अधिक प्राथमिकी सीबीआई ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई को झारखंड पुलिस से 215 मामले स्थानांतरित किए गए हैं। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। टाटा नगर के लोको शेड में क्रेन टूटा, रेल कर्मचारी की मौत। टाटा नगर रेलवे के ओल्ड लोको शेड में शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे क्रेन का सीलिंग टूटने से चक्का परसुडी प्रमोद नगर निवासी रेल कर्मी तकनीशियन विनोद महतो 54 वर्ष का था, जिसके ऊपर ही गिरा और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। विनोद परसुडी के प्रथम नगर में रहते थे, उनके 2 बच्चे हैं। हादसा रेलवे लोको शेड के सेंट्रलाइज ट्रैक्शन रिपेयर सेंटर में हुआ है। रेल कर्मियों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, जिससे ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई हो। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने वाले सब जोनल कमांडर और एरिया कमांडर समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार। साल के अंत में पुलिस को उग्रवादियों के विरुद्ध दूसरी कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर और पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने वाले 3 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से एक देसी कट्टा, एक 312 बोर की राइफल, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं दहशत फैलाकर लेवी लेने के लिए चरही थाना क्षेत्र में संचालित कर रहे ईंट भट्टा के मालिक एवं मुंशी का नाम और मोबाइल नंबर का लिखित पर्ची भी जब्त किया है। यह जानकारी SP कार्तिक S ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि TPC संगठन के उग्रवादी सदस्य चरही थाना क्षेत्र में लेवी लेने बहरा जंगल के आसपास इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित TPC के एरिया कमांडर राकेश गंजू उर्फ अभिषेक, साकिन सरंदाग थाना सिमरिया जिला चतरा को अवैध देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। झामुमो ने मनाई शहीद निर्मल महतो की जयंती। झामुमो धनबाद जिला समिति ने दिसोम जाहिर थान तिल्लीपाड़ा स्थित सामुदायिक भवन में शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती मनाई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके गुण कीर्तन का वर्णन और स्मरण किया गया। जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने अलग झारखंड राज्य के लिए अपना अहम योगदान दिया है। अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले झारखंड के सच्चे और वीर सपूत थे। आज हमें उनके सिद्धांतों पर चलकर झारखंड को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबर है झारखंड के पलामू से। ईंट भट्टों के मालिक को श्रम विभाग का नोटिस। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड के विभिन्न जगहों पर संचालित ईंट भट्टों में श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में 4 भट्टा मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य रामाशीष यादव ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त ईंट भट्टों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम संबंधी मामलों के केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य ने पाया कि विजय सिंह, लखन सिंह, अनिल यादव और सोनू सिंह के ईंट भट्टों में बच्चों से मजदूरी करवाया जा रही है। श्रम अधिनियमों के प्रावधान के तहत देय सुविधाओं का भी घोर अभाव देखा गया। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सुनील कुमार ने सभी 4 ईंट भट्टों के मालिकों को 5 जनवरी तक अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित किया है। नोटिस में यह भी उल्लेखित किया गया है, उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने पर सभी ईंट भट्टा मालिकों के विरुद्ध श्रम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। अवैध शराब और जुआ के खिलाफ सख्त हुई सिमडेगा पुलिस। SP डॉक्टर शम्स तब्रेज के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब एवं हब्बा डब्बा और जुआ के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा छापेमारी के क्रम में अवैध शराब एवं जवा महुआ को बरामद कर नष्ट करते हुए ग्रामीणों को अवैध शराब को बेचने एवं चुआई नहीं करने का सख्त हिदायत दिया जा रहा है। इधर गाँव में हब्बा डब्बा एवं अन्य जुआ खेल के आयोजन की शिकायत पर SP ने सभी थानेदारों को जुआ खेल पर अंकुश लगाने का निर्देश दे दिया है। SP के निर्देश पर ठठई गटांगर पुलिस ने छापामारी करते हुए हब्बा डब्बा का खेल खिलाने वाले एक ग्रामीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर SP ने बताया कि क्रिसमस एवं नए वर्ष के मौके पर सभी थाना एवं OP क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी वाहन चालकों को समुचित दस्तावेजों के साथ वाहन चलाने की अपील की है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। पहाड़पुर स्टेशन पर चला अतिक्रमण मुक्त अभियान।
झुमरी तलैया आरपीएफ द्वारा कोडरमा गया रेलखंड स्थित पहाड़पुर रेलवे स्टेशन में 24 दिसंबर को विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से रेलवे के जमीन को अतिक्रमण किए हुए दुकानों गुमटियों को हटाया गया। इसमें करीब 40 से 45 दुकानों को स्टेशन एरिया से मुक्त कराया गया है। खबर है झारखंड के गढ़वा से, अवैध बालू उठाव रोकने के लिए धावा दल का गठन। अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों से हो रहे अवैध खनन और उठाव को रोकने के लिए डीसी के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया। एसडीओ जयवर्धन कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न नदियों के बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव रोकने के लिए धावा दल गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। उक्त बातों में टीम के सदस्यों ने गुरुवार को विभिन्न बालू घाटों पर औचक धावा बोला। औचक छापेमारी में खरौंदी प्रखंड के खोखा, रमना प्रखंड के हरदाग में बालू का अवैध भंडारण पाया गया। वहीं विष्णुपुरा के संध्या में बांकी नदी में 5 से 6 स्थानों पर बालू का अवैध भंडारण पाया गया। खरौंदी और रमना में बालू के अवैध भंडारण को लेकर केस दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। खबर है झारखंड के गोड्डा से, सैलानियों को लुभाता है पथरगवा के योगिनी मंदिर व धनसुख पहाड़। नए साल के आगमन के पूर्व जश्न मनाने प्रखंड मुख्यालय स्थित माँ योगिनी मंदिर के पास पहाड़ियों पर सैलानियों का डेरा लगता है। इस मनोहर स्थलों की आकर्षक छवि देखने व पिकनिक मनाने के लिए प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। बता दें कि माँ योगिनी मंदिर के दरबार में 1 जनवरी के दिन बिहार और बंगाल आदि स्थानों से सैलानियों हजारों की संख्या में आकर माँ योगिनी मंदिर के बगल के कुंड में स्नान कर माँ योगिनी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे तो सालों भर लोग अन्य राज्यों से आकर माँ योगिनी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन 1 जनवरी में यहाँ सैलानियों को सबसे ज्यादा आकर्षण माँ योगिनी गुफा के आसपास पहाड़ के नीचे धनसुख पहाड़ के पास एवं मनोकामना नाथ शिव मंदिर पहाड़ के ऊपर पिकनिक मनाते देखे जाते हैं। वहीं चिहोड़ी पहाड़ स्थित माँ चिहोड़ी मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर एवं शमशान काली मंदिर में सैलानियों को आगमन होता है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से, भारत माता के नाम पर जमीन पर कब्जा। छोटी झरना धोबी घाट के समीप भारत माता की प्रतिमा लगाने के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसके बाद कर्मियों ने वहां लगाई गई भारत माता की तस्वीर हटा दी है। वहां की जमीन की मापी भी कराई गई है। इसके बाद पिछले दिनों उसके आसपास घर बनाने वाले 14 लोगों को नोटिस भी भेजा गया था। सभी को कागजात के साथ 24 दिसंबर को राजमहल कार्यालय में बुलाया गया था। बताया जाता है कि निर्धारित तिथि पर मात्र 7 लोग ही उपस्थित हुए। सभी ने अधिवक्ता के माध्यम से राजमहल पदाधिकारी पंकज साहब से 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद एसडीओ ने सभी को 1 सप्ताह का समय दिया है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में सभी को अपना अपना पक्ष रखने को कहा गया है। गौरतलब हो छोटी धोबी घाट के पास सरकारी भूमि है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी वहां भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कुछ लोग चोरी छुपके वहां की जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। वहां दर्जनों लोगों ने घर भी बना लिया है। उसी से सटी सरकारी जमीन पर पिछले दिनों समाज सेवी सुनील शर्मा ने भारत माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की थी। वहां पर भारत माता की तस्वीर भी लगा दी थी। सुनील शर्मा ने नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रतिमा का शिलान्यास कराने की घोषणा की, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। खबर है झारखंड के दुमका से, बिहार में चोरी हुई बुलेट की सवारी करना झारखंड के दरोगा को पड़ा महंगा। सस्पेंड हुआ दरोगा, विभागीय जांच शुरू। राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र से 5 साल पूर्व दिवाकर कुमार की चोरी बुलेट दुमका के दरोगा अखलाक खान के पास मिलने के मामले में पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले का सत्यापन करने के लिए शुक्रवार को एक टीम दुमका के लिए रवाना की गई है। चोरी की बुलेट चलाने के मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा द्वारा आरोपित दरोगा अखलाक खान को निलंबित कर चुका है। दरअसल बुलेट चोरी होने की एफआईआर पीड़ित की ओर से एसके पुरी थाना में दर्ज कराई गई थी। दुमका के दरोगा अखलाक खान द्वारा पटना से चोरी की बुलेट चलाने का खुलासा तब हुआ जब वहां की सर्विस सेंटर द्वारा गाड़ी के रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज भेजा गया। मैसेज मिलने के बाद बुलेट के मालिक दिवाकर ने सर्विस सेंटर अनिल कुमार से संपर्क साधा तो उन्हें बताया गया कि यह बुलेट दुमका मुफसिल थाने के दरोगा अखलाक खान द्वारा सर्विस के लिए दी गई थी। पीड़ित बुलेट मालिक की ओर से इसकी शिकायत दुमका के डीआईजी से की गई। मामला सही पाने पर वहां के पुलिस अधीक्षक ने आरोपित दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इसकी सूचना पर पटना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।